अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो व्लॉग है मैं पूरा डे का आपसे शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। शुरुआत करती हूँ मैं एक कप काढ़े के साथ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है ना, मुझे ईयर्स में पेन हो रहा है, थ्रोट में पेन, इवन साइनस का भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। आज मैं आपसे बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत हेल्दी भी है, इंस्टेंट तरीके से बन जाती है और टाइम भी नहीं लगता है किचन में। अगर आप में से कोई वेट लूज़ करने में है तो ब्रेकफास्ट रेसिपी की आप खोज कर रहे हैं तो ये जो रेसिपी है ये आपके लिए मस्ट है। रवा डोसा, जो कि आपने इंस्टेंट तरीके से बना कर खाए होंगे, लेकिन ये जो उत्तपम मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। उत्तपम के साथ मैंने तिल की चटनी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी और मैंने एक अपने वीडियो में भी ऑलरेडी तिल की चटनी की जो रेसिपी है मैंने शेयर कर दिया है। ठंडी ठंडी मौसम में अगर हम तिल की चटनी बनाकर खाते हैं उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही है। किसी ने मुझसे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में पूछा था कि ये जो मोटा रवा जिसको हम कहलाते हैं उससे हम रवा डोसा या उत्तपम बना सकते हैं या नहीं। जी हाँ, उससे भी हम डोसा बना सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ब्लेंडर में हम उसका एक फ़ाइन पाउडर उसका बना लेंगे और उससे हम डोसा या उत्तपम बना सकेंगे। थ्री कप्स यहाँ पर मैंने मोटा रवा यानी सेमोलिना ऐड किया है, इसी के साथ मैंने जिंजर गार्लिक ऐड किया है एंड हाफ़ ए कप जो है ना मैं इसमें श्रेडेड कोकोनट ऐड करूँगी। कोकोनट को श्रेड करके ही ऐड करिएगा, अगर आप ऐसे ही चंक्स ऐड कर देंगे तो जल्दी से बारीक नहीं होंगे। एक कप मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है, दही के साथ 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड किया है और पानी जितना लगेगा मैं ऐड करूँगी और इसका एक बैटर रेडी कर लूँगी। इस वक्त मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि अगर बैटर बच भी जाता है ना तो बिना सॉल्ट के अगर हम उसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के रेफ्रिजरेट करेंगे तो ख़राब नहीं होगा वो बैटर। इस बैटर में हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करेंगे, चटनी बनाने तक ये बैटर थोड़ा सा फर्मेंट भी हो जाएगा। अगर आप जल्दी में हैं सोडा ऐड किए बिना भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा बैटर मैंने बच्चों के लिए साइड पर रख दिया है। जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अनियंस, टमाटोज, ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर, थोड़ा सा जो है ना मैंने इसमें पालक ऐड किया था फाइनली चॉप करके। अगर कैरेट ऐड करना हो तो स्ट्रेट करके ही ऐड करिएगा। बच्चों के लिए मैं प्लेन डोसा बना रही हूँ यहाँ पर।
आज लंच में टमाटो रसम बनाने वाली हूँ। अगर आप रोज़ रोज़ दाल खाकर बोर हो रहे हो तो आपके लिए ये रेसिपी है। यहाँ पर मैं रसम पाउडर बना रही हूँ, अगर आपके पास रेडीमेड भी हो तो भी चलेगा। अगर रसम पाउडर नहीं भी हो तो भी आप घर पे बना सकते हैं। रसम पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड सीड्स, फेनुग्रीक एंड ड्राई रेड चिलीज ऐड किए हैं। सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लूँगी और इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके आप एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है। ऑयल हीट होने पे यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं। जब क्रैकल हो गए इसमें मैंने गार्लिक ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसको क्रश कर लिया था। गार्लिक यानी लहसुन को हल्के से ब्राउन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्राई रेड चिलीज, करी लीव्स एंड एक हाफ साइज़ का जो है ना ऑनियन इसमें ऐड किया है स्लाइस्ड करके।
अनियंस को जो है ना ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, 2-3 यहाँ पर ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा हींग और हाफ कप यहाँ पर मैं ग्रेटेड कोकोनट ऐड करूँगी। आप चाहे तो ब्लेंड करके भी कोकोनट को आप ऐड कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। स्टडेड कोकोनट को मैंने 1 मिनट तक भून लिया, उसके बाद जो हमने टमाटोज को बॉईल करके उसका प्यूरे बनाया था, टैमरिन वाटर, इंस्टेंट जो हमने रसम पाउडर बनाया है वो ऐड किया, थोड़ा सा गुड़ ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और बस एक बॉईल आने तक मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल आने के बाद इसमें थोड़े से कटे हुए कोरिएंडर लीव्स ऐड किए हैं। रसम की जो कंसिस्टेंसी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत क्विक बन जाने वाली रेसिपी है, अगर आप रसम पाउडर पहले से ही जो है ना रेडी करके रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको बनाने के लिए। आप इसको एक बार बनाकर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो मेरे व्यूवर्स कर्नाटका से हैं ये रेसिपी से फैमिलियर होंगे और जो नहीं हैं उनको मैं बताते चलूँ, साउथ इंडिया में ये टमाटो रसम बहुत फेमस है। टमाटो रसम की कई सारे जो है ना वैरायटीज़ है, बनाने के तरीके अलग अलग हैं, उनमें से ही जो है ना मैंने एक शेयर किया है। टमाटो रसम के साथ मैं एक साइड डिश बना रही हूँ जो कि बहुत जल्दी ये भी बनने वाली है, बस आपको जो है ना बॉयल आलू चाहिए इसके लिए। ऑयल हीट होने पे यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, उबले हुए आलू यहाँ पर मैंने 1 कप ऐड किए हैं। स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो लेमन जूस या चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। आलू ज़ीरा एक सिंपल सी डिश है, वैरायटीज़ आलू ज़ीरा बनाने के 50 डिफरेंट वैरायटीज़ होंगे, ये एक उनमें से ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आपको भी। और ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, उस दिन बारिश हो रही थी तो मैंने ये बनाया था, ये मेरे बच्चों के फेवरेट है तो सोचा ये रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँ। ये देखिए बाहर से जो है ना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, 2 कप्स वाटर में जो है ना मैंने गुड़ को ऐड कर लिया है और गुड़ का शीरा मैं यहाँ पर बना लूँगी। टू एंड हाफ कप गेहूँ का आटा लिया है और 1 कप यहाँ पर मैं सूजी ऐड करूँगी यानी सेमोलिना। 1 कप यहाँ पर मैं ड्राई कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी, ये घर पे बनाया हुआ है। ड्राई कोकोनट को भून लिया था हल्के से और उसका पाउडर बना लिया। चार से पांच कुटी हुई इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड जो हमने शीरा गुड़ का बना लिया था वो मैंने ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा गुड़ का शीरा ऐड करके मैं एक सेमी थिक बैटर रेडी कर लूँगी।
जिस तरह हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं वही स्टेप्स है। और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। डिनर के लिए मैंने आलू चावल हफ्सा चटनी, जो कि सऊदी अरब में बहुत फेमस है, वो बनाया। साथ में थोड़े से जो है ना अनियंस का सलाद बनाया। हफ्सा चटनी बनाने के लिए 1 कप कटे हुए टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई, 1/4 धनिए के पत्ते, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एंड हाफ लेमन जूस ऐड करके इसको मैंने हल्के से जो है ना पीस लिया। इस वीडियो में आलू चावल की रेसिपी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का जो लेंथ है वो लंबा हो चुका था। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी एंड सेफ रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।